अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हापुड़ की घटना के विरोध में सलेमपुर वकील गुरुवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों ने सलेमपुर परिसर में सरकार के पुतले को भी फूंका। वकीलों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जो आज आप लोग पुतला दहन किए सरकार का क्या यह जो है रामेश्वर प्रसाद मिश्र अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सलेमपुर, ये हापुड़ की घटना को लेकर के हमारा ये प्रदर्शन जो है चल रहा है। विगत 29 तारीख से हमारे हापुड़ के अधिवक्ताओं पर बर्बर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा किया गया और प्रशासन जो है अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम लोग उसी दिन से आंदोलनरत हैं। हमारी कुछ मांगे हैं कि प्रथम मांग तो यह है कि जिन लोगों ने पुलिस वालों ने हम लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, तत्काल वहां के SP और DM को जो है आसंदन किया, निलंबित करके आसंदन किया जाए। तत्पश्चात घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिया जाए, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जब तक ये हमारी मांग जो है मानी नहीं जाती है शासन द्वारा तब तक हम बार काउंसिल के निर्देशानुसार अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे और उम्मीद है कि समय समय पर बार काउंसिल जो है अपना जो है दिशा निर्देश जो है हमको देती रहेगी। हम जो है आंदोलन में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में बार काउंसिल के आह्वान पर जो है हमने जो है प्रशासन का पुतला जो है इस कैंपस में फेंका है।